नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं एक्सेस भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य 20 खबरों पर। 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू। गुजरात में एनसीपी के विधायक कांधल जडेजा ने क्रॉस वोटिंग की। जडेजा ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ मोदी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। भारत और इंग्लैंड के बीच रविवार को मैनचेस्टर में खेले गए तीसरे वनडे मैच में रविंद्र जडेजा ने अपनी फील्डिंग से सबका दिल जीत लिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब उपचुनाव में बड़ा उलट फेर कर जीत हासिल की। एमपी में इंदौर के पास खलघाट में हादसा। उफनाती नर्मदा में ओवरटेक करते समय पुल से नीचे जा गिरी बस, कोई जिंदा नहीं बचा। एक्टर सिंगर जेनिफर लोपेज ने एक्टर बेन एफ्लेक से लॉस वेगास में शादी कर ली है। 52 साल की जेनिफर पिछले 20 साल से 39 साल के बेन के साथ रिलेशनशिप में थी। पतारा कस्बा के बाबा बैजनाथ धाम मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी है। कानपुर में देवी देवताओं के अपमान पर युग दधीचि देहदान संस्था की ओर से किन्नर समाज ने शमशान घाट पर रविवार को शिवार्चन किया है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों में लगातार भारी बारिश से नदियां उफनाई। निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बनने लगे हैं। राम रहीम की 30 दिन की पैरोल अवधि 17 जुलाई को खत्म हो गई। रविवार रात 11 बजे हनीप्रीत के साथ इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे। जबलपुर में स्टेज सिंगर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना लॉर्डगंज थाना के उजारपुरवा की है। मृतक का नाम अजय कुमार बताया जा रहा। एमपी में नगरीय निकायों के प्रथम चरण के चुनाव का रिजल्ट घोषित होने के बाद अब बीजेपी कांग्रेस सोशल मीडिया पर अपने अपने तरीके से पार्टी की जीत का श्रेय दे रही हैं। मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत अब टीईटी टेट पास शिक्षक ही मदरसों में शिक्षक के तौर पर भर्ती किए जाएंगे। भर्ती के लिए नियमावली में अब जल्द संशोधन किया जाएगा। आईफोन 11 प्रो की वजह से एक यूक्रेनी सैनिक की जान बच गई। अगर आईफोन नहीं होता तो उसकी जान जा सकती थी। लुलु मॉल में उद्घाटन के बाद लड़कों के नमाज पढ़ने के वायरल वीडियो की जांच के दौरान पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। रोजमर्रा की तमाम वस्तुएं आज से महंगी हो रही हैं। महंगाई की मार झेल रहे लोगों के बजट पर अब और भार बढ़ जाएगा। महाराष्ट्र के वासिम में नीट परीक्षा देने पहुंची मुस्लिम छात्रा का गंभीर आरोप कि जबरन हिजाब उतरवाया गया।
दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के पिता एनरोल मस्क ने सौतेली बेटी संग अफेयर के बाद दूसरे बच्चे के जन्म का खुलासा किया। कांग्रेस का संकट है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा दे दिया। सुल्तानपुर में हलियापुर थाने की पुलिस ने सोमवार सुबह गश्त के दौरान एक जिला बदर अपराधी तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया।